हाय गाइस, वेलकम टू द मोटो विज़न। तो आज की वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये मैं शूट कर रहा हूँ 16 मार्च को। अपना मैंने चैनल स्टार्ट किया था 16 फरवरी को, तो ये पूरे एक महीने बाद आज ही शाम को इसको डाल भी दूंगा। और इसलिए ये अपनी ही गाड़ी की वीडियो है। पहली जो मैंने वीडियो डाली थी वो अपनी बाइक की थी, और ये एक महीने बाद अपनी ही गाड़ी की वीडियो। तो ये हमारे पास है ह्यूंडई की वेन्यू एस प्लस मॉडल। ये फेसलिफ्ट से पहले वाला मॉडल है, अभी तो फेसलिफ्ट भी आ चुका है। तो बनाते हैं इसकी वीडियो, क्या कुछ फीचर आप में मिलते हैं, कौन सा मॉडल है ये। अगर आप कभी अब तो नई तो ये नहीं मिल रही होगी, अगर आपने सेकंड हैंड लेनी हो तो आप देख सकते हो क्या कुछ मॉडल मिलते हैं इसमें, क्या कुछ फीचर्स वगैरह हैं। तो फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले चाबी से स्टार्ट करते हैं। ये है इसकी चाबी, दो चाबियाँ मिलती हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली फ्लिप की। तो मैं इसको बता दूँ, ये जो मॉडल है ये है ह्यूंडई वेन्यू का एस प्लस। तो जब हमने ये ली थी तब आया करते थे ह्यूंडई में, ये पेट्रोल में है, तो पेट्रोल में तीन मॉडल आया करते थे, एक ई, एक एस और एस प्लस। तो ये मतलब पेट्रोल का टॉप था। फिर जो एस एक्स ऑप्शनल वगैरह थे वो थे डीजल के, और टर्बो में था जो वो भी डीजल में था, एस एक्स ऑप्शनल टर्बो। अब चलते हैं सीधा फ्रंट। इस तरह की इसकी कुछ ग्रिल मिलती थी, सामने आपके ह्यूंडई का बड़ा सा लोगो। एक्चुअली हमने गाड़ी काफ़ी साफ भी की जितनी एक हमसे हो पाई, लेकिन रास्ते में यहाँ आते आते थोड़ी दूर लागी गई है। तो ये है फ्रंट ग्रिल, ये आधी जो है ओपन है, आधी नहीं है ओपन। तो नीचे से एयर वेंट के लिए और ऊपर से थोड़ी ये इस तरह की क्लोज सी दी हुई है। इस साइड जो इसके लाइट हैं वहाँ से देखते हैं। ये जो इसमें है ये प्रोजेक्टर लैंप आता है हैलोजनी प्रोजेक्टर, ये कॉर्नरिंग लैंप के साथ। और ये जो है इसकी रिंग लाइट क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, DRLs। कॉर्नरिंग लाइट का ये फंक्शन होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, आप अगर स्टीयरिंग इस तरफ टिल्ट करोगे तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आप गाड़ी को थोड़ा इस तरफ टर्न करोगे, चलाते चलाते जब लाइट ऑन हुई तो वो वाली लाइट ऑन हो जाएगी। तो वो होता है कॉर्नरिंग लाइट फंक्शन। इसमें आपको फॉग लैंप भी मिलते हैं, ये फॉग लैंप कंपनी से लगे हुए हैं, और ये भी प्रोजेक्टर हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पर इसमें थोड़े वेंट हैं और ये वेंट वर्किंग हैं, पता नहीं आपको दिख रहे होंगे नहीं। तो यहाँ से इसमें एयर पास हो सकती है। इस साइड से दिखाता हूँ, गाड़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो ये वर्किंग वेंट है। ये जो इसका इंडिकेटर है, इसमें हैलोजन बल्ब आपको मिलता है, ऐसे थोड़ा मैश डिज़ाइन सा मिलता है। और बाकी आगे नीचे स्किड प्लेट सिल्वर कलर की। ये था इसका कुछ फ्रंट लुक। अब चलते हैं इसके साइड लुक पे। फ्रंट में यही सब था। तो साइड में इसके जो इंडिकेटर हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं ORVM पे। इसके ORVM में जो वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड होते हैं, अंदर से बटन है। इसमें हमने एसेसरी में ये लगवाया हुआ है, ये जो थी क्रोम, ये हमने एसेसरी में लगाया हुआ है। और ये भी क्रोम डोर हैंडल्स, और ऊपर ये भी एसेसरी में डोर वाइजर, ये तो एसेसरी में लगाते हैं हर कोई। हमने थोड़ा क्रोम में लगाया, तो इतना एक क्रोम काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है क्रोम की ये तीन चीज़ें साइड पर, तो बिल्कुल ना ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है ना कुछ। और एक ये नीचे आई पॉप डोर प्रोटेक्टर, जो भी आप इसको बोलो, ये है। अब चलते हैं इसकी रेयर साइड। रेयर में इसका कुछ इस तरह का लुक था। लाइट्स वगैरह इसकी जला के आपको दिखाएंगे बाद में सारी। ये जो थी इसमें, ये इसमें LED लाइट है, यहाँ पे टेल लाइट LED इस तरह की, धूल ऊपर काफ़ी चढ़ चुकी है, ये भी जला के भी दिखाएंगे। तो ये है इसकी LED लाइट, यहाँ पे भी LED इसका चलता है। जो दूसरा मॉडल था S और बाकी जो बेस मॉडल थे उनमें यहाँ पर लाइट नहीं आती, बीच में हैलोजन बल्ब आता है, लेकिन इसमें यहाँ पर भी लाइट होती है। और ये आ गया टर्न इंडिकेटर्स, नीचे आ गए ये वाले रिफ्लेक्टर्स, और बीच में हैलोजन बल्ब लगा हुआ है रिवर्स के लिए। ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो ये रही इसकी रेयर लुक। रेयर में और क्या क्या मिल जाता है आपको, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, और इस मॉडल में आपको ये वाशर वगैरह नहीं मिलता, डिफॉगर, रेयर डिफॉगर इसमें मिलता है। ये रहा ऊपर शार्क फिन एंटीना, काफ़ी बड़े बड़े ये मिलते हैं, ये मतलब पूरे वर्किंग हैं, ये सामान बांधने के काम आ जाएंगे। इसके रूफ रेल्स पीछे इसमें, और ह्यूंडई का लोगो मिलता है, और नीचे वेन्यू लिखा हुआ। आजकल ह्यूंडई वगैरह लिखा हुआ तो आता नहीं, काफ़ी टाइम से ह्यूंडई ने ये बंद कर दिया। नीचे स्किड प्लेट, उसके ऊपर ये नंबर प्लेट हमने लगाई हुई है, और उसके ऊपर ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अंदर से अभी दिखाएंगे। तो और बूट आप इसका ऐसे एक्सेस कर सकते हो, जब आपने गाड़ी अनलॉक की हुई होनी चाहिए, तो यहाँ से एक बटन प्रेस करोगे तो बस, ये वाला बटन, ये बोर्ड में ये स्टड्स वगैरह मिलते हैं। हमने इसको सीट कवर वगैरह लगाए, वो भी बताऊंगा क्या कुछ है। और ये हमने ऐसे ये ढाल रखा है, हटाते हैं।
ये भी हमने एक्सेसरी में लगाया था, तो अगर कुछ सामान वगैरह रखते हैं तो इसमें गिर जाता है तो नीचे ख़राब नहीं होता। ये देखो इसका ये काफ़ी बचा हुआ है अभी, यहाँ से भी अगर इसको ऊपर उठा दें, यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा स्पेयर व्हील। व्हील्स की भी बात करेंगे क्या सेक्शन वगैरह है बाहर से देख के, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेक्शन 195/65R15/91H। तो ये 15 इंच के आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं, अलॉय व्हील नहीं है इस मॉडल में। यहाँ पे बीच में वो किट तो कर देते हैं इसको बंद, पार्सल ट्रेस में है तो कर देते हैं इसको बंद। बाकी यहाँ पर रियर में दो पार्किंग सेंसर भी दिए हुए हैं, 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर ये और एक उस एंड। ये था हुंडई का वेन्यू एस प्लस मॉडल, ये साइड से कुछ इस तरह की लग रही है। यहाँ पे पेट्रोल टैंक हमने ऊपर ये पेट्रोल का लिखवा रखा है, और वही सब एसेसरी वगैरह इस साइड लगी हुई हैं और इस साइड कुछ नहीं है। अब रेयर पैसेंजर साइड डोर खोलते हैं। हाँ, इसकी जो सीट हैं ये टंबल हो जाती हैं, लेकिन पूरी 60-40 स्प्लिट नहीं है, पूरी टंबल हो जाती है। नीचे हमने 7D मैट लगवाए थे, काफ़ी बेकार क्वालिटी के, किसी काम के नहीं है, चेंज करवाने हैं तो ये मत लगवाना। रेयर एसी भी इसमें मिल जाता है, और यहाँ पे नीचे चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का। ये आगे आर्मरेस्ट, ये भी आगे देखेंगे। ये हेलमेट हमने बीच में रखे हुए हैं, हम एक और वीडियो भी बना रहे हैं उस काम के लिए। पीछे एक बैग सा रखा हुआ है, हमने ऊपर इसके ये सीट कवर लगा रखे हैं। इसके नीचे दूसरे सीट कवर भी हैं, अगर आपको दिखे ये भी सीट कवर हैं, लेकिन हमने ये उसके ऊपर ये भी लगा रखे हैं। ये मेरे पापा को काफ़ी अच्छे लगते हैं तो इसलिए उन्होंने ये भी लगाए हुए हैं। एक्चुअली ये हमारी दूसरी गाड़ी है ह्युंडई वेन्यू, इससे पहले हमारे पास डिज़ायर थी, उसका फ़ोटो मैं इधर साइड पे लगा दूंगा, तो उसमें भी हमने इसी तरह के सीट कवर लगाए हुए थे। ये अब खोलते हैं ड्राइवर साइड, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है आपको। तो हाँ, आप इसको अनलॉक ऐसे कर सकते हो, ये हो गया लॉक के लिए, ये अनलॉक के लिए, हाँ, और ये बूट ओपन करने के लिए। इसको दबा कर रखोगे तो बूट खुल जाएगा, ऊपर खुलेगा नहीं, वो आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन अनलॉक हो जाएगा, रिलीज़ नहीं होगा। तो अभी इसको अनलॉक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डोर पे आपको क्या क्या मिलता है इसमें। ये आगे ORVM क्लोज़ करने के लिए, देखो ORVM बंद हो गया, तो ये ORVM रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। ये आगे इसमें लॉक अनलॉक खोलने के लिए। इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, एक ये है उस तरफ और 2 पीछे, और 2 ट्विटर भी इसमें हैं दिए हुए, तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर, अंदर स्क्रीन वगैरह मिलती है सब कुछ। ये आ गया पीछे वाले शीशे लॉक करने के लिए, ये सारे अप डाउन शीशे, और ये जो फ्रंट है ये ऑटोमेटिक है। आपको लगा कर दिखाते हैं चाबी, लॉक है स्टीयरिंग। अब इसको 1 टच अप डाउन हो जाता है, एक बार दबाया था पूरा डाउन हो गया, 1 टच में आप भी हो जाएंगे। ये फंक्शन सिर्फ फ्रंट वाले में मिलता है, ड्राइवर साइड में बाकी में नहीं मिलता। यहाँ पे बॉटल होल्डर है और कुछ और जगह है हमें कपड़े वगैरह रख रखे हैं साफ़ करने के लिए। ये तो पीछे के डोर पॉकेट्स में मिलता है, वो मैंने दिखाया ना। यहाँ पे भी एक बॉटल होल्डर है और थोड़ी सी और स्पेस है यहाँ पे, इसमें यहाँ से शीशा आप डाउन कर सकते हो। बाकी इसमें इस तरह बाकी पीछे कुछ हाथ है नहीं, चलते हैं आगे। ये डोर पर मैंने आपको दिखा दिया, हाँ ये जो है ये लॉक अनलॉक पूरी गाड़ी अपने आप। और ये अगर आपको मिरर एडजस्ट करने हैं, जैसे अभी इनको मैं बंद करके दिखाता हूँ, अभी अंदर मोड आया ये, तो मुझे राइट साइड वाला करना है, ठीक, मैंने राइट मोड़ा, और इसे मैं आप ऊपर नीचे कर सकता हूँ ऐसे, अगर आपको दिख रहा है इस तरीके से। चलो बैठते हैं फिर गाड़ी के बीच में। इस तरह का कुछ मिलता है इसको आपको क्लस्टर, ये चीज़ मुझे इसकी एक नहीं अच्छी लगती, बाकी मुझे सब चीज़ें वेन्यू की अच्छी लगती हैं, एक इसकी ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये इसमें ऐसे पार्टीशन में दिया हुआ है, तो 3 अलग अलग आपको सेक्शंस मिलते हैं, अगर पूरा दिया होता तो वो अच्छा लगता। वो जो इसका सबसे ऊपर वाला मॉडल है टर्बो टॉप, उसमें आता है, बाकी किसी में नहीं आता, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये रहा इसका स्पीडोमीटर, ये इस साइड MID छोटी सी, तो हमारी गाड़ी चल चुकी है अभी कितनी 7571 7571 और इस साइड भी ये, बाकी जो फंक्शन है वही साइड दिखते हैं। अभी बारी ऊपर है तो इसलिए वो दिखा रहा है। TPMS इसमें नहीं मिलता, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर इसमें नहीं है, ये मैं आपको, आजकल की गाड़ी में तो मिल जाता है, मतलब अब तब इसमें नहीं आया करता था इस मॉडल में। ये रहे ऐसे इवेंट्स, इधर करके ऐसे ओपन हो जाते हैं और इधर करके क्लोज़, और बाकी ऊपर नीचे तो ऐसे कर ही सकते हो। ये इसको हेड लाइट लेवलर,
उसको ऊपर नीचे, जब आप लो बी में रखते हो तो उसको आपको कितना नीचे रखना या ऊपर रखना ये उसके काम आता है। करते हैं बंद। इसे जो है ये एसी के वेंट्स दो और एक उधर आ गया तीन। आगे यहाँ पे भी एसी के वेंट्स मिलते हैं जब आपको डिफॉग करना होता है फ्रंट वाला शीशा। ये आ गया सन ब्लाइंड, यहाँ पे टिकट होल्डर, ये IRVM इसका मैनुअली एडजस्टेबल IRVM इस तरह का। इस साइड आपको मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं मिलती। ये आगे ग्रैब हैंडल्स इस तरह के, रिट्रैक्टेबल नहीं मिलते, यही मिलते हैं फिक्स्ड। इस साइड नहीं है कोई भी ग्रैब हैंडल। तो सेंटर में इसको आपको ये दिया हुआ है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अब मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं कितने इंच का, आई थिंक 8-1 इंच का होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास इसका ब्रोशर पड़ा हुआ, तो उसे देख के लिख दूंगा साइड पे, यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा। ये इसके मीडिया कंट्रोल्स, इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ चला सकते हो। तो उसकी एक अलग वीडियो आने वाली है चैनल पे। तो यहाँ पे नीचे इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, इलेक्ट्रॉनिक तो होता ही है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये आ गया फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर। अभी जब ये तब चलता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है, अभी नहीं चल रहा। तो ये AC ऑन हो गया, इसमें यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप एयर वेंट चेंज कर सकते हो, आगे से आएगी अंदर से ही वापस आएगी हवा। ये उसके लिए AC अभी बंद कर देते हैं। यहाँ से आप इसको कूल या हॉट, ठंडे वाली साइड या गर्म वाली साइड कर सकते हो। अभी 18 डिग्री पे चल रहा है, और ठंडा कर देते हैं तो लो, हाई कर देते हैं तो ये जाता है 27 डिग्री तक गर्मी ये हीटर। तो अभी जो मैंने इसको ये रख रखा है डिफॉग के लिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये आपको हवा पैरों में चाहिए और आगे फ्रंट पे चाहिए, ये सिर्फ पैरों की हो गई। ये आगे डिफॉग के लिए ये सब फीचर है। और ये है फैन स्पीड, मैंने आपको बता दिया। इसको कर देते हैं ऑफ। इससे नीचे आपको मिलता है ये चार्जिंग सॉकेट USB A, बीच में 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे भी आप चार्जिंग वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। और ये USB, और जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलता है, एप्पल कारप्ले तो वायरलेस है लेकिन एंड्रॉयड ऑटो के लिए आपको यहाँ पे लगानी पड़ती है केबल। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कैसे चलाना है। इसमें वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं मिलती। ये है 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन। ये गियर नॉब, ये लेदर टाइप इस तरह का मिलता है, थोड़ा सा सिल्वर फिनिश। यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाबी वगैरह रखने के लिए, दो कप होल्डर्स, एक में हमने कप उल्टे करके रख रखे हैं और एक में परफ्यूम रख दिया। और ये आ गया इसका आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है, ये देखो, हाँ ये सॉफ्ट टच वाला है। इसको ओपन करके बीच में थोड़ी सी स्पेस मिलती है। ये हमने चार्जर वगैरह रखा हुआ और ये कुछ सामान रखा हुआ, थोड़ी सी स्पेस मिलती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ का है। इस साइड आपको ये थोड़ी सी स्पेस मिलती है यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए, जो पैसेंजर बैठता है वो फ़ोन वगैरह रख दो या कुछ और भी आप रख सकते हो आपकी मर्ज़ी। नीचे इसका ग्लव बॉक्स खोलते हैं तो ये इसकी मिल जाती है आपको किट वगैरह, ये सब। ग्लव बॉक्स जो है आपको वो कोल्ड मिलता है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। इसको इधर घुमा के आप बंद कर सकते हो और इधर खोल ऑन कर सकते हो, वो आपको दिख जाएगा बीच में। तो इसमें ग्लव बॉक्स जो है वो कोल्ड मिलता है, आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, ठंडी रहेंगी। इसमें ये मिलता है यहाँ पे आप वो होल्डर, अगर आपकी RC छोटी है तो यहाँ पे रख सकते हो। हमारे J&K में तो RC बड़ी होती है तो वो यहाँ रख नहीं सकते, पूरी कागज़ वाली, तो हमने इसमें रखी हुई है, ये रख देते हैं बस। फिर यही था इनसाइड। और हाँ, यहाँ पे ये रहा इसका माइक। इसमें यहाँ पे फ्रंट लाइट नहीं दी हुई, पता नहीं इतनी कॉस्ट कटिंग क्यों की Hyundai ने इस मॉडल में, क्योंकि ये पेट्रोल में टॉप है। अगर किसी को टर्बो नहीं लेना तो टॉप यही है पेट्रोल में, जैसे हमने लिया। हमें डीजल नहीं चाहिए था क्योंकि हमारी रनिंग ज़्यादा नहीं है, तो इसमें यहाँ पे ये नहीं दो। काफ़ी सारे फीचर कट किए हुए हैं। ये रही रियर लाइट 3 फंक्शन के साथ, ये रही इसकी रियर लाइट। और ये इसकी सीट बेल्ट हमने इधर इसलिए बांध रखी है क्योंकि ये ख़राब हुई है, ये भी ठीक करानी। ये बाहर आई है तो अंदर जाते ही नहीं, ये ख़राब हो चुकी है। तो बाकी सब कुछ बता दिया, इसमें और कुछ है हाँ। इंजन खोलने का आपको लीवर यहाँ पे मिल जाएगा, ये तो काफ़ी गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे होता है, ये ऐसे खोल के आगे से भी देख लेते हैं खोल। तो चलते हैं अब आगे, इंजन देख लेते हैं फिर लाइट्स भी दिखा देते हैं। इंजन इस तरह खुलता है, हमने अभी ये नहीं खोले काफ़ी टाइम से। गाड़ी हमने ली हुई है, अभी क्या है, फरवरी 2023, हमने गाड़ी ली थी सितंबर 2021 में, नहीं अक्टूबर 2021 में। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको मिल भी जाती है, हाँ 30 सितंबर 2021 की रजिस्टर्ड है JK02 जम्मू रजिस्ट्रेशन। तो खोल लेते हैं इसका इंजन पे। कोई हाइड्रोलिक स्टार्ट्स वगैरह कुछ नहीं मिलते,
यहाँ पे भी कोई वो नहीं है। तो इस तरह का इसका इंजन है। ये है 1.2 लीटर का इंजन पेट्रोल, टर्बो नहीं है ये। कर दे ज़ोर से क्लोज, बस कर दिया बंद। तो बस एक बार लाइट और दिखा देते हैं, लाइट्स वगैरह किस तरह फंक्शन करते हैं। एक चीज़ इसमें और रह गई थी, जहाँ पे ये नॉब्स दिए हुए हैं इनका दिखाते हैं। तो ये आ गया लाइट के लिए, ये अभी तो ऑफ पे है, ऊपर करोगे तो ऑटो, फिर ये इसमें सिर्फ वो छोटे लाइट्स ऑन हो जाते हैं, वो हमें दिख रहे हैं। और ये आ गया हेडलाइट के लिए, आगे हाई बीम है, इधर लो बीम, और ये पास क्या दिखा रहा हूँ, हाँ ये पास, ये अभी लो बीम है तो आगे हाई बीम। ये जो है ये फॉग लाइट्स के लिए है, अभी ऑन है, ऑफ हो गई। इंडिकेटर आपको देना है तो इस तरफ, और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है तो इस तरफ, वो देखो दिख रहा है शीशे में, शीशे में नहीं MID में। इस तरफ जो है ये आगे इसके वाइपर कंट्रोल्स, तो ऐसे करके पानी भी मार सकते हो, पीछे खींच के पानी भी आएगा और बाकी चलेंगे भी। ऊपर एक बार चलते हैं, ऐसे नीचे लो स्पीड, फिर नॉर्मल, फिर हाई, अभी फुल स्पीड पे चल रहे हैं। इनको बंद कर देते हैं। ये रहे इसके स्टीयरिंग में कंट्रोल्स, हॉर्न इसका यहाँ है, ये हॉर्न है। तो स्टीयरिंग में कंट्रोल ये है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, गाने किस में चलाने, USB में, रेडियो में, वो सब मोड चेंज होता है। इससे असिस्टेंट ऑन होता है, यहाँ पे आपकी आवाज़ सुनी जाएगी माइक में। तो ओके, गूगल वगैरह बोल के आप असिस्टेंट को ऑन करते हो, जो भी जब फ़ोन कनेक्ट किया हुआ हो। वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट का, और ये ट्रैक चेंज करने का, कॉल पिक करने का और कॉल ड्रॉप करने का। ट्रैक चेंज करने का इसमें ऐसा है, अब पता नहीं ये सारे मॉडल्स में होगा या इसमें है या क्या है, या इसी तरह दिया Hyundai ने। अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना है तो आपको इसको ऐसे नीचे करना पड़ेगा, लगता क्या है कि जब नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना तो ऐसे ऊपर करना पड़ेगा नेक्स्ट और नीचे बैक, लेकिन जब आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा तो ऐसे नीचे। एक चला के दिखाते हैं, ये जैसे ये सॉन्ग हमने इसमें प्ले की, आवाज़ अभी कम कर दी है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो जैसे इससे मुझे नेक्स्ट जाना है तो मैं इसको ऐसे नीचे करूँगा, नेक्स्ट जाएगा, देखो नेक्स्ट सॉन्ग आ गया। अब मुझे रिवर्स करना है तो पीछे वाला ऐसे ऊपर करके, तो ये इसमें थोड़ा सा उल्टा फंक्शन है, ये आप चेक कर लेना। इसमें आर्किमिडीज़ का साउंड सिस्टम मिलता है, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, क्लब और लॉन्ज, ये थोड़ा म्यूज़िक को अच्छे से बना देता है। ये अभी हमने इसमें USB लगाई हुई है, पेन ड्राइव, उससे म्यूज़िक प्ले हो रहा है। तो हाँ, एक इसका, काफ़ी चीज़ें वाकई रह गई थी, एक इसका ये नहीं हमने दिखाया, रेयर व्यू मिरर के किस तरह की क्वालिटी है। इसमें आप चलते चलते भी रेयर व्यू मिरर देख सकते हो, DRVM फंक्शन कहते हैं इसको, ड्राइविंग रेयर व्यू मिरर, तो ये भी आप देख सकते हो। बाकी इसका सारा मेन्यू ये है, और अगर यहाँ से बैक चलते हैं होम पे, सेटिंग में जाते हैं, तो ये कुछ सेटिंग मिलती हैं इसमें आपको, साउंड की, डिवाइस की, वाईफाई वगैरह से कनेक्ट हो जाता है ना ये, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए, तो ये सब है। अगर किसी चीज़ पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, हम वो भी बना देंगे। तो बाकी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो पे तो एक डिटेल वीडियो आने वाली है चैनल पे जल्दी ही, शूट हम वो भी आज ही कर लेंगे अगर टाइम बच गया तो, बाकी देख लेंगे डालने कब है, टाइम काफ़ी हो चुका है, 6:00 6:15। ठीक है, कर देते हैं इसको बंद, बस अब बाहर का दिखाते हैं। तो अब देखते हैं इसकी लाइट, जो मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर हेडलैम्प, तो ये इस तरह का थ्रो है इनका, अच्छा थ्रो है, उतना ज़्यादा भी नहीं मैं कहूँगा, और कम भी नहीं है, काम तो चला ही देता है। ये साइड पे आगे DRLs, अब मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करूँ तो आपको अच्छे से दिखेंगे, ज़ूम हो गया। इस तरह का दिखते हैं DRLs। तो फॉग लाइट ऑन करते हैं ज़रा, तो ये रहे फॉग लाइट्स, फॉग लाइट के साथ कुछ इस तरह की लगती हैं। तो इस साइड का इंडिकेटर ऑन करते हैं, ये रहे इसके इंडिकेटर्स, इंडिकेटर हैलोजन है तो यहाँ पे आपको इस तरह का मैश सा मिलता है। ये है इसकी लुक, साइड के इंडिकेटर्स इस तरह के। अब चलते हैं बैक लाइट, ब्रेक प्रेस करके भी दिखाते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, आपको ये यहाँ पे भी ग्लो मिलेगा इसमें, तो यहाँ पे भी अंदर बल्ब लगा हुआ है, ये भी चल रही है, और ये तो पूरा LED। ये साइड का इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट आपको पता ही है किस तरह की होती है। ब्रेक प्रेस करके देखते हैं इसकी लाइट तेज़ होगी, ये है ब्रेक प्रेस करके कुछ इस तरह की होती है, ब्रेक रिलीज़ करके इस तरह की होती है, नॉर्मल आपको ऐसे दिख रहा है, ब्रेक प्रेस करोगे तो थोड़ी सी रेड हो जाएगी।
ये रहा हाई माउंट स्टॉप लैंप, बस यही है इसकी लुक। रियर लुक एक बार फिर से देख लो। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल इसलिए हो सकती है अगर आप सेकंड हैंड परचेज़ कर रहे हो वेन्यू का ये वाला मॉडल, तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या फ़ीचर होते हैं इसमें। बस ठीक है, फिर रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।